पहले तो सुरेश थापा सर को और थापा ट्यूटोरियल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं सभी को बड़ी बड़ी मुबारक है कि आज इन्होंने लाइब्रेरी जो है यहाँ पे स्टार्ट करी है। ऐसी लाइब्रेरीज से ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि आज के दौर में पढ़ाई की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सभी को पता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे और पढ़ाई का माहौल मिलेगा सोसाइटी के अंदर, तभी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी। थापा सर और इनकी पूरी टीम जो है वो हमेशा इसी फील्ड में काम करती है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काम करती है कि उस सोसाइटी में क्या बेस्ट पॉसिबल जो एजुकेशन है वो दी जा सके। तो उसी तरफ में एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनको और सभी को बहुत बहुत मुबारक है, पूरे एरिया के लोगों को मुबारक है, क्योंकि अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर आके बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और प्लस इनकी गाइडेंस तो इनको बच्चों को मिलती रहती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एटमॉस्फेयर इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है बहुत अच्छा है और बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले आपके माध्यम से थापा सर को और बिश्नावासियों को कंग्रेट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जिनकी लोकेलिटी में वार्ड नंबर 1 नियर पावर हाउस के पास एक अच्छी वेल फिनिश्ड लाइब्रेरी है जहां बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, साथ साथ उनको ये कंसेप्ट भी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं सभी लोग आए देखें, ट्यूटोरियल तो सर का देखा है, उनके रिजल्ट भी देखा है बच्चों ने, और जहां की जे फैसिलिटी भी लें बच्चे, बाकी इनके पास अच्छा फैकल्टी है, वहां से भी जहां से भी बच्चे अच्छा कमाए, बाकी यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर आज 15 नवम्बर को हमारे सुरेश थापा सर जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं, उन्होंने बिश्नाह तहसील को के बच्चों के लिए और एजुकेशन सोसाइटी के लिए लाइब्रेरी प्रेजेंट की है, और ये लाइब्रेरी वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। इसमें एयर कंडीशन, फुली एयर कंडीशन रूम्स हैं, मेल एंड फीमेल के लिए अलग सेपरेट वॉशरूम्स हैं, एंड लॉकर सिस्टम भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो बैठ के अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। हर कैटेगरी के बच्चे जो यहां पे आना चाहें प्लीज आ सकते हैं, वार्ड नंबर 1 नियर पावर हाउस थापा लाइब्रेरी।